आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में हुआ काफी बड़ा उलटफेर। जी हां, डीसी वर्सेस आप सभी को बता दें यहां पर एलएसजी के बीच मुकाबला खेला गया, जहां पर डीसी ने काफी बेहतरीन तरीके से जीत हासिल की। आप सभी को बता दूं कि दिल्ली कैपिटल ने जो है ऋषभ पंत ने बेहतरीन तरीके से जीत तो हासिल की, लेकिन आरसीबी को लेकर के काफी बड़ा झटका लग चुका है आरसीबी और पंजाब की टीम्स। तो वहीं आप सभी को बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के काफी बड़ा उनकी टीम को लेकर के झटका लग चुका है। सब कुछ आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में बताने वाले हैं। आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है, कौन सी टीम कितने नंबर पर है और कौन सी टीम का जो है टारगेट कितना है, किसके पास कितने पॉइंट है, नेट रन रेट किस टीम का कितना है और किस टीम को काफी बड़ा झटका लगा है, कौन कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी आईपीएल 2024 में और फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगी, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट बताने वाले और दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को बता दें कि यहां पर 2024 आईपीएल का पॉइंट टेबल आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वें नंबर पर, तो 10 नंबर पर टीम आती है आरसीबी, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, जिसकी इस समय किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के कप्तान आप सभी को बता दें कि यहाँ पर विराट कोहली उप कप्तान है वहाँ के, जहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन लगातार वो 5 मैच हार चुके हैं। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने अभी तक 6 मुकाबले खेले, सिर्फ 1 मुकाबला जीता है और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इनके पास सिर्फ जो है 2 पॉइंट बचे हैं और नेट रन रेट की हम बात करें तो -1.124 इसका नेट रन रेट इस समय रह गया है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर पर, तो 9 नंबर की टीम आती है डीसी, दिल्ली कैपिटल टीम, जो ऋषभ पंत की टीम है, जो आपको बता दें काफी बेहतर टीम है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से अब हर बार फ्लॉप हो रही है। अभी तक 6 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 मैच में जीत मिली है, 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 4 पॉइंट उपलब्ध हैं, अगर हम नेट रन रेट की बात करें तो -0.975 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर टीम आती है पीवीकेएस, यानी कि पंजाब की टीम है, जो काफी बेहतरीन टीम किसी टाइम में हुआ करती थी, लेकिन पंजाब की टीम ने 5 मैच खेले हैं, 2 मुकाबले जीती है, 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 4 पॉइंट है, अगर नेट रन रेट की बात करें तो -0.196 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे सबसे महंगी और सबसे जो है बेहतरीन टीम की, लेकिन लगातार वो हर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस, यानी कि एमआई की टीम, यानी कि हार्दिक पांड्या की छपरी भरी कप्तानी की, हार्दिक पांड्या की बेवकूफ़ी भरी कप्तानी में लगातार एमआई 3 मुकाबले हारी। अगर रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के कप्तान होते तो 5ों के 5ों मैच आज नीता अंबानी के हक में होते, लेकिन सूर्य कुमार यादव के आने के बाद लगातार अब हार्दिक पांड्या अपने मुकाबले जीत रहे हैं और काफ़ी एमआई अब अच्छे प्रदर्शन में चल रही है। मुंबई इंडियंस ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, 2 मैच जीती है, 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 4 पॉइंट हैं, अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो -0.073 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे छठे पायदान पर, तो छठे पायदान पर इस समय जीटी की टीम, यानी कि गुजरात टाइटन, जो उसके कप्तान हैं शुभमन गिल, सभी को बता दें कि 6 मैच खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले में हार मिली है। इनके पास 6 पॉइंट है, अगर हम इनके नेट रन रेट की बात करें तो -0.637 इनका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पर टीम आती है एसआरएसएच, आप सभी को बता दें कि सारे इस टीम में काफ़ी ज़्यादा बेहतर टीम है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया के भी काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद हैं, जैसे कि ट्रेविस हेड हो गए और दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम को 2023 का वर्ल्ड कप हराया था। अब मैं आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम 2023 का वर्ल्ड कप हार तो गई थी, लेकिन भारतीय टीम के शेयरों ने काफ़ी ज़्यादा मैच लगातार जीते थे। हम वर्ल्ड कप भले ही हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमने 10 मैच लगातार जीते, इसकी काफ़ी बड़ी खुशी है हम सभी भारतीयों को। यार मैं आप सभी को बता दें कि 5वें नंबर पर है एसआरएच, जहाँ पर इन्होंने 5 मैच खेले हैं, 3 मुकाबले जीती है, 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 6 पॉइंट है, अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो +0.344 इसका नेट रन रेट समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर टीम है एलएसजी, यानी कि आप सभी को बता दें काफी बेहतरीन लखनऊ की टीम है। इन्होंने 5 मैच अभी तक खेले हैं, जिसमें 3 मैच जीते हैं, 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 6 पॉइंट है, अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो +0.436 इसका नेट रन रेट है। अब टीम आती है यहां पर तीसरे नंबर पर, जो टीम सबसे घातक और विस्फोटक टीम कही जाती है, वो टीम सीएसके, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड वाली टीम है, जो काफी विस्फोटक टीम है, लेकिन लगातार ये भी कुछ मुकाबले इसने भी हारे हैं। अभी तक आप सभी को बता दें सीएसके ने 5 मैच खेले हैं, जिसमें 3 मैचों में जीत मिली है और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड, रविंद्र जडेजा दिग्गज से दिग्गज खूंखार खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। इसके अगर हम नेट रन रेट की बात करें, पॉइंट्स की बात करें, तो उनके पास 6 पॉइंट है, नेट रन रेट इसका है वो +0.666 का नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर पर, 2 नंबर पर है ऋषभ पंत की टीम,
आप सभी को बता दें कि दो नंबर पर केकेआर है। केकेआर ने अभी तक 4 मैच खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबले में सिर्फ हार मिली है। इनके पास अभी 6 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो +1.528 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे पहले नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर आती है RR। आप सभी को बता दें कि RR टीम ने यानी कि संजू सैमसन ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, 4 मुकाबले लगातार जीती है। सबसे टॉप पर नंबर 1 पर यही टीम चल रही है जो काफी बेहतरीन 2024 IPL में अपना प्रदर्शन दिखा रही है। इसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट है, बल्कि 8 पॉइंट है। अगर नेट रन रेट की बात करें तो +0.871 इसका नेट रन रेट है। ये जो टीमें हैं जो काफी खतरनाक और विस्फोटक टीमें हैं जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस बार प्रदर्शन दिखा रही हैं, लेकिन सबसे ख़राब किस्म RCB और DC की है जो लगातार 8-7 और आप सभी को बता दें अब तो 9 और 10 नंबर पर आ चुकी है। RCB सबसे नीचे है क्योंकि RCB के खिलाड़ी तो काफ़ी बेहतरीन है लेकिन उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कुछ पूरी तरीके से सही नहीं हो रही है। विराट कोहली काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, रन मशीनों से कहा जाता है, लेकिन और दिग्गज खिलाड़ी पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। आप सभी को बता दें कि RCB जो है पूरी तरीके से अब नीचे जा चुकी है। हो सकता है कि RCB अब 9 मुकाबले लगातार जीत ले, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बता दें कि लगातार अगर ये मुकाबले नहीं जीतेंगे तो उनको IPL से पहले ही बाहर होना पड़ेगा। अब मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या, अब रोहित शर्मा की अगर बात मानेंगे, सूर्य कुमार यादव की बात समझेंगे, सलाह लेंगे, तो हो सकता है कि आगे चलकर वो हर एक मैच जीते रहें और नीता अंबानी को खुश करते रहें। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की बात सुनेंगे, क्योंकि ऐसा अब नीता अंबानी ने रोहित शर्मा से कहा है, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर बात सुनते हैं हार्दिक पांड्या तो उनको हर एक मुकाबले में जीत ही मिलेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तान तो जरूर MI के हैं लेकिन उनको इतना तजुर्बा नहीं है। आप सभी की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वालिफाई कौन सी टीम इन 10 नंबरों से करेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।